सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में विख्यात पाटलिपुत्र की धरती पर माँ पटन देवी की असीम कृपा है। भारत के 51 शक्तिपीठों में ये एक है। ये खूबसूरत और भव्य मंदिर बिहार की राजधानी पटना शहर के पटना सिटी इलाके में अवस्थित है। शिव पुराण और देवी भागवत की ऐसी कथा है कि एक बार भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। आमंत्रण नहीं मिलने के बावजूद शिव जी की पत्नी सती पिता प्रेमवश यज्ञ में शामिल होने चली गई, लेकिन वहां शिव जी के अपमान को सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के कुंड में कूद गई। ये खबर सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वे सती के अधजले शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती का शरीर जिन जिन स्थलों पर गिरा वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यहां माता सती का दाहिना जंघा गिरा और आज ये जगह शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। यहाँ माँ भगवती सर्वानंद करी देवी के रूप में विराजमान है। सर्वानंद करी देवी को ही यहाँ पटन देवी माता के नाम से जाना जाता है। पटन देवी मैया को भक्त पटनेश्वरी माँ के रूप में भी पूजते हैं। ये नगर रक्षिका है, पटना की अधिष्ठात्री देवी है, ये नगर भ्रमण करती है, इसीलिए नगर रक्षिका सर्वानंद करी माँ पटनेश्वरी इनका नाम है। ये शक्तिपीठ दो भागों में विभाजित है, बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी। सबसे पहले हम पटन देवी मैया के मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। पटना जंक्शन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बड़ी पटन देवी मैया का दरबार। पटना जंक्शन से अशोक राजपथ होते हुए हम पहुंच जाते हैं बड़ी पटन देवी मां के द्वार। मंदिर परिसर के बाहर रास्ते में प्रसाद और पूजन सामग्री की छोटी बड़ी दुकानें सजी हैं, जहां से भक्त प्रसाद और पूजन सामग्री खरीदते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर पीतल की सिंहों की प्रतिमा लगी है। मुख्य द्वार से होकर हम मंदिर के परिसर में कदम रखते हैं। वैसे तो ये मंदिर काफी पुराना है, लेकिन इसके भीतरी भाग का जीर्णोद्वार मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मैया अपने 3 रूप मां महाकाली, मां महालक्ष्मी, मां महासरस्वती के रूप में मौजूद है। माँ के मूर्तियों के सामने ही लाल रंग की एक पिंडी स्थापित है। इन्हें व्योमकेश भैरव बताया जाता है। माता के मंदिर के सामने ही हवन कुंड है, जहाँ हवन किया जाता है। हवन कुंड के बगल में पीतल की एक विशाल सिंह प्रतिमा है। इसे माता के वाहन के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के परिसर में देवी देवताओं के कई छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। पटन देवी मैया के पूजन के बाद भक्त इस मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमाओं की पूजन अर्चना करते हैं। इस मंदिर परिसर में राधा कृष्ण और साईं मंदिर भी है, जहां भक्त जाना नहीं भूलते। मंदिर के भीतरी आंगन में बलि का स्थान है, जहां नवरात्रि के समय बकरों की बलि दी जाती है। वैसे तो यहां सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है। सुबह से देर रात तक सभी जाति धर्म के लोग माता का दर्शन करते हैं। बड़ी पटन देवी माई के दर्शन के बाद अब हम छोटी पटन देवी माता का भी दर्शन कर ले। ये मंदिर बड़ी पटन देवी मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो ये मंदिर देखने में बिल्कुल नया लगता है, लेकिन इस मंदिर का भी जीर्णोद्वार राजा मानसिंह द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में भी भगवती अपने 3 रूप में विराजमान है।
इस मंदिर में भी भगवान शिव, दुर्गा, भैरव और विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। भगवान विष्णु और भैरव की प्रतिमाएं नवीन मंदिर के निर्माण के वक्त खुदाई में मिली थी, जिसे यहां स्थापित किया गया। जो भी भक्त पटन देवी माता का दर्शन करने आते हैं, वो बड़ी पटन देवी माँ के दर्शन के बाद छोटी पटन देवी माँ का दर्शन जरूर करते हैं।